नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर निगम क्षेत्र के वार्ड 38 सोमनी में गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में निगम महापौर निर्मल कोसरे, निगम आयुक्त अजय त्रिपाठी शामिल रहे। इस कार्यक्रम में निगम के MIC मेंबरों सहित कांग्रेस के पार्षदगण एवं वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल रहे। छत्तीसगढ़ शासन के बेमिसाल 4 साल के उपलक्ष्य में निगम भिलाई चरोदा द्वारा वार्ड क्रमांक सोमनी 38 में गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद निगम महापौर निर्मल कोसरे ने क्षेत्रवासियों को शासन द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बताते हुए कहा कि आज का दिन पूरे प्रदेश में गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्वर्णिम 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के लिए अनेक कार्य किए हैं। किसान, नौजवान और सियान सभी के लिए इस सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी, 2500 रुपए की दर से धान की खरीदी, गोबर और गोमूत्र खरीदने जैसे निर्णय ने प्रदेश के सभी वर्गों को प्रसन्नता से अभिभूत करने का कार्य किया है। इस कार्यक्रम में वार्ड 40 गनियारी निवासी कुमारी मुक्ता ठाकुर एवं वार्ड 5 उमदा निवासी विजय खुटेल को मोटराइज्ड ट्राइसिकल प्रदान की गई। मिनी माता महतारी जतन योजना अंतर्गत उरला निवासी साधना पटेल एवं संध्या साहू को 20,000 रुपए की धनराशि चेक के माध्यम से प्रदान की गई। असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल योजना के तहत मृत श्रमिक के परिवार लक्ष्मीकांत सरोजी केबिन निवासी को 1,00,000 रुपए का चेक भी वितरित किया गया। वही राजीव गांधी आवासीय पट्टा वितरण 90 हितग्राहियों को किया गया। साथ ही महापौर कोसरे ने बटन दबाकर मोर जमीन मोर मकान योजना के 400 हितग्राहियों को 2,45,00,000 रुपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ वासियों के आशीर्वाद से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज जो छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं, मैं सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज हमारे नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4 साल के अपने कार्यकाल में जो उपलब्धियां छत्तीसगढ़ की जनता को जो समर्पित की है, उसी के तारतम्य में सोमनी के रहने वाले, गनियारी के रहने वाले जो नजूल जगह में काबिज थे और वर्षों से रह रहे थे, पट्टा की वर्षों पुरानी उनकी मांग थी, आज 84 हितग्राहियों को हम लोग पट्टा का वितरण कर रहे हैं। इनके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गरीबी रेखाओं में जीवन यापन करते हैं उनके लिए राशन कार्ड बनाने की योजना चालू की थी, जिसके तहत आज 604 हितग्राहियों का राशन कार्ड बना हुआ है और आज उनका भी राशन कार्ड का वितरण किया गया। इनके साथ साथ ही असंगठित कर्मकार के जो मजदूर हैं जिनका आकस्मिक निधन हो जाता है, उनको श्रम विभाग की ओर से 1,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। हमारे भिलाई चरोदा के जी केविन से सरोज बाला को 1,00,000 रुपए का चेक वितरण भी हम कर रहे हैं। मिनी माता जतन योजना के तहत 20,000 रुपए की राशि भी दी जाती है। 2 हितग्राही जो उरला के हैं उनको भी हम लोग 20,000 रुपए का चेक दे रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की ओर से 80% से ज़्यादा विकलांग जो हैं उनको बैटरी चलित रिक्शा हम लोग आज प्रदान कर रहे हैं। इनके अलावा हमारे नगर निगम क्षेत्र में जो आवास निर्माणाधीन है, प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त, तृतीय और चतुर्थ किस्त, उन हितग्राहियों के लिए 400 हितग्राहियों को आज 2,45,00,000 रुपए की राशि उनके खातों में हम लोगों ने ट्रांसफर कर दी है। 2 दिन बाद बैंक से सीधे उनके खातों में पैसा पहुंच जाएगा। इनके साथ साथ जो 14 प्रकार के जो प्रमाण पत्र मितानों के द्वारा, हमर मितान के द्वारा जो बनाया जाता है, उसके तहत जो बच्चे 3 माह के बच्चे हैं उसका आधार कार्ड बना के दिया गया है। 2 बच्चों का जाति प्रमाण पत्र वहाँ प्राप्त हुआ और उसी को बनाकर वहीं तत्काल हम लोग दिए हैं। तो इस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, तुहर सरकार तुहर द्वार माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, उसके तहत हम लोग गाँव के लोगों तक, शहर के लोगों तक, अंतिम लोगों तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। पुनः आज के दिवस में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त मंत्री परिषद को बहुत बहुत बधाई। इस अवसर पर निगम के MIC सदस्यों सहित कांग्रेस के पार्षदगण और साथ ही निगम के अधिकारी कर्मचारी सहित वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शरण खरे की रिपोर्ट।